हाँ, मैं आज आपको बीज के बारे में बताऊंगा, यानी कि पौधा एक एंजियोस्पर्म के जो प्लांट होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमिट यानी पोलन ग्रेन और फीमेल गैमिट यानी कि एग सेल या पोलर सेल, इनके आपस में फ्यूज होने के बाद जायगोट का निर्माण होता है, और जायगोट के विभाजन के फलस्वरूप यानी कि भ्रूण विकास के फलस्वरूप बीज का निर्माण होता है। और भी कारण हो सकता है बीज के निर्माण का, तो मैं आज आपके बारे में सीड के बारे में आपको बताऊंगा। पहले लिखा है बीज यानी कि सीड, अंग्रेजी में इसको सीड कहते हैं। बीजांड के निषेचन के फलस्वरूप बनने वाली वह संरचना जिसमें एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण अध्यावरणों में सुरक्षित रहता है बीज कहलाता है। दूसरी एक और परिभाषा, जैसे बीज पौधे की सुप्तावस्था कहलाती है, यानी कि बीज में पौधा जो है सुप्त अवस्था में बना रहता है, तो इसीलिए बीज को हम पौधे की सुप्तावस्था भी कहते हैं। और बीज के अंकुरण यानी कि सुप्तावस्था से जागृत अवस्था में आने की क्रिया को हम अंकुरण कहते हैं। तो पहले हमको केवल यहाँ समझना है बीज के संरचना के बारे में। तो देखिए, जैसे मैंने चित्र बना के रखा हुआ है, चित्र बनाने का कारण यह है कि कम समय में आपकी वीडियो बने, और दूसरी बात यह है कि आप साथ साथ इसको कॉपी में भी नोट करते रहें। जैसे बीज की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सीड, तो मैंने यहाँ एक चने का बीज लिया है, तो बीज को आपने देखा होगा कि इस प्रकार से इसकी संरचना है। तो बीज के किनारे पर नीचे की ओर जहाँ पर नोक दिखाई देती है वहाँ पर एक छोटा सा छिद्र जैसा दिखता है, तो उसका किनारे वाला भाग हाइलम कहलाता है, और छिद्र को माइक्रोपाइल कहते हैं। जब बीज को भूमि में दबा दिया जाता है तो इसी भाग से, माइक्रोपाइल वाले भाग से, बीज जल को या खनिज लवणों को अवशोषित करता है, यानी इम्बिबिशन क्रिया करता है, जिससे बीज जो है फूल कर मोटा हो जाता है और उससे अंकुरण की जो प्रवस्था है वो बनती है। और इसके बाद यहाँ पर ये इसके ऊपर जो परत दिखाई दे रही है, इस परत को हम कहते हैं सीड कोट, सही है। और सीड कोट के बाद अंदर की ये भाग जो है, जो अंदर का जो भाग है, जो छिकल जैसे चने के बीज को आप भुना हुआ हो तो ऊपर से जो छिलका उतरता है वो सीड कोट कहलाता है, उसके अंदर का भाग झिल्ली नुमा भाग इंटेगमेंट कहलाता है। और इंटेगमेंट दो भाग होते हैं, इसका बाहर वाला टेस्टा और अंदर का भाग टैगमेंट कहलाता है। बीज के ऊपर एक धारी दिखाई देती है, जब चने के बीज को देखें या बहुत से बीजों को देखिए, एक धारी सी दिखाई देती है, जैसे मेरी उंगलियाँ दो मिली आपस में तो इनके बीच में एक धारी जैसी है, तो ऐसी संरचना होगी, इसे हम रैफी कहते हैं। जब बीज के आपने सीड कोट को उतार दिया तो उसके दो टुकड़े दिखाई देते हैं, तो उसे हम बीज पत्र कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉटिलीडन्स कहते हैं। ऐसे बीज पत्र जिनमें दो कॉटिलीडन होते हैं, दो भाग हो जाते हैं, उन्हें हम डाइकॉटिलीडन भी कहते हैं, ठीक है। अब जैसे चावल देखा है, चावल धान, धान का ऊपर का सीड कोट उतार देने पर तो अंदर जो सफ़ेद दिखता है चावल, तो वो उसके अंदर केवल एक ही कॉटिलीडन होता है, ऐसे मोनोकॉटिलीडन्स कहलाते हैं। तो मोनोकॉटिलीडन्स में गेहूं आता है, बाजरा आता है, मक्का आता है, जबकि डाइकॉटिलीडन्स के अंदर दो बीज पत्र जिनमें पाए जाते हैं, चना है, मटर है, मूँगफली है, या अरहर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल। तो ये इस प्रकार की जो दालें होती हैं, दो दालीय पौधे, वो सब डाइकॉटिलीडन्स कहलाते हैं। बीज जब, यहाँ मैंने कहा कि माइक्रोपाइल वाले भाग से खनिज लवणों को अवशोषित करता है, तो इसमें ये दो प्रकार के भाग दिखाई देते हैं। ऊपर की ओर इपिकोटाइल भाग होता है और नीचे की ओर इसमें हाइपोकोटाइल भाग होता है, और साइड में ये बीज पत्र लगे होते हैं, कॉटिलीडन्स। हाइपोकोटाइल वाले भाग से रेडिकल का निर्माण होता है, जो मूलांग को जिसे कहते हैं, और ये जड़ संस्थान का निर्माण करता है, यानी कि प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़ और तृतीयक जड़ सब मिलकर के अगर किसी जड़ में है तो वो जड़ संस्थान कहलाता है, और मूल रोम भी साथ में हो, तो इसलिए रेडिकल जो है मूलांकुर का निर्माण करता है, मूलांग को गुरुत्वानुवर्तन गति करता है। और ये इपिकोटाइल वाले भाग से प्लूमिल, प्रांकुर का निर्माण होता है, यानी कि
तना संस्थान का निर्माण, जिसपे तना, शाखा, कलिका, पत्ती, फूल, फल आदि लगते हैं। तो ये एपिकोटल और हाइपोकोटल भाग, और ये दोनों साइड से बीज पत्र होते हैं। अंकुरण के समय आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए, अंकुरण जब होता है, अगर बीज पत्र भूमि से ऊपर चले जाते हैं, बीज पत्र भूमि से ऊपर चले जाते हैं किसके, एपिकोटल वाले भाग प्लूमुल के साथ, तो इसको कहते हैं ऊपरी भूमिक अंकुरण, एपिजल जर्मिनेशन। और अगर भूमि के नीचे ही बीज पत्र ये रह जाते हैं किसके साथ, मूलांकुर के साथ, तो इसे हम कहते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन या अधोभूमिक अंकुरण। ठीक है, अब बात आती है बीज के प्रकार। एक तो हमने बीज के प्रकार बता दिए बीज पत्र के आधार पर, यानी मोनोकोटिलीडन्स और डाइकोटिलीडन्स। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ बीज पत्र किसके आधार पर, बीज पत्र के आधार पर, बीज पत्र के आधार पर किसके, बीज के प्रकार, बीज के प्रकार, यानी दो प्रकार का हो गया, नंबर एक मोनोकोटिलीडन, मोनोकोटिलीडन्स, सही है, और दूसरा हो गया जिसके अंदर एक बीज पत्र हो, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, गेहूँ, बाजरा, मक्का, बात समझ गए, धान। और दूसरा है डाइकोटिलीडन, डाइकोटिलीडन्स, इसमें एग्जांपल दे देता हूँ, चना, मटर और अरहर, मूंगफली, मूंगफली, क्या लिख दिया, मूंगफली। इसके बाद बीज के जो प्रकार होते हैं वो भ्रूण कोष के आधार पर, जब बीज के अंदर भ्रूण कोष यानी भोज्य पदार्थ के अंदर होता है, या आप जानते हैं कि दालों में हमें प्रोटीन मिलती है, अनाज में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो ये कहाँ संचित होता है, ये पदार्थ कहाँ संचित होता है, तो ये कहलाता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड यानी कि भोजन जो है बीज पत्र में संचित रहता है, किसमें, बीज पत्र में संचित रहता है, तो ये कहलाते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ऐसे चना, मटर और बादाम और मूंगफली। ठीक है, और दूसरा होता है एंडोस्पर्मिक सीड, यानी भोजन जो है भ्रूण पोष में संचित रहता है, किसमें, भ्रूण पोष में, तो इसे हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, जैसे मक्का है, गेहूं है, अरंडी है। ठीक है, इतनी बात है मैंने आपको बताई, कॉपी में इसको आप नोट कर लिया करें, धन्यवाद।